लॉकडाउन एटीएम में करंट फैलने से बड़ा हादसा हो सकता था। रक्षाबंधन के दिन एटीएम में कैश निकालने आए महिलाएं और पुरुषों को लगा करंट का झटका। आसपास के क्षेत्र में कैश निकालने के लिए स्टेट बैंक का एटीएम ही एकमात्र सहारा है। वहां भी अधिकांश समय कैश पेमेंट नहीं होने से समस्या बनी रहती है। त्योहार के दिनों में भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीपलगंज से सलीम खान की रिपोर्ट। इसमें और न कोई भी न इसको लॉक किया गया न कोई कार्रवाई की गई है इसके ऊपर। आपको करंट का झटका भी लगा? बहुत बेहतरीन तरीके से सर, मैं ये मानो कि जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने, तो ये भगवान की जो है आशीर्वाद है हमारे ऊपर, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि कोई भी आए और कोई भी इसका सामना न कर। तो मैंने हाथ रखा कि मैं आज त्योहार का मौसम है, पैसे निकालूंगा, और इसने इस तरह से धोखा दिया। आज मैं बच गया और मैं तब से यहीं पे खड़ा हुआ ताकि कोई भी नागरिक आए और इस तरह से ये इस आपदा का सामना न कर ले, नहीं तो अगले जन्म में ही मिल पाएगा वो। ये देखिए, ये कौन सी बैंक का एटीएम? ये स्टेट बैंक का, आप देख लीजिए, ये फुल करंट आ रहा है जी। किस लिए आया फिर? वही चेक करने आया, मैं तो लोडिंग डॉक करने आया था, उसे मेरे को पता चला करंट हमारा। मैंने ऑफिस में बात करी है अभी, क्या नाम बता बोला शटर डाउन कर दो। क्या नाम है आपका? नरेंद्र ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।